Good afternoon, dear class 8 students. Now, once again, welcome back in the English class. Now, today we are going to start our chapter 7, that is My Childhood. This short story, or we can say simply say an incident, it is written about our great सर एपीजे अब्दुल कलाम. ये एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में है. उनका जो बाल्यकाल का अवस्था था उसके बारे में बताया गया है इस चैप्टर के थ्रू से. नाउ लेट अस मूव थ्रू इट, थ्रू आवर चैप्टर्स. एज यू ऑल नो डियर स्टूडेंट, वी हैव टू डू द लेसन, वी हैव टू डू द क्लास इन टू टू पार्ट्स, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी. So we will be doing part 8 today. Now let us move, let us go through our chapter lesson. First of all, let us view our what is there in the box. My Childhood. This extract was written by our former president, late Sri APJ Abdul Kalam. It depicts the childhood of Kalam in the island town of Rameswaram. Rameswaram, it is his birthplace and it is his home place. Now हम लोग का former president APJ अब्दुल कलाम सर का थोड़ा सा बाल्यकाल का अवस्था उसको एकीकृत करके ये स्टोरी में बताया गया है. सो हम लोग ये स्टोरी पढ़ने के बाद में we will know something about that. We have learned that poem, isn't it, My Mother, written by Abdul Kalam sir. वो poem को भी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे. अगर ये story को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, तो वो poem में भी हम लोगों को फ़ायदा होगा. So, dear student, be careful, listen carefully and try to understand properly. Now, let us start our chapter. Let us start our chapter paragraph by paragraph. This is the picture of that lesson. Maybe this little boy is Abdul Kalam sir and his mother is serving him parathas, isn't it? Chapatis. Now let us move. The first paragraph. I was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father Jainulabdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. ये बच्चा तमिल फैमिली रामेश्वरम में उसका जन्म हुआ था. कपिल अब्दुल कलाम सर का उसका पापा जो जैनुलब्दीन था फादर, वो पढ़े लिखे नहीं था. फॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है औपचारिक शिक्षा, जैसे स्कूल जाके पढ़ना अथवा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, ये नहीं हुआ था उसका पापा का. वो उसका एजुकेशन नहीं था एंड उसके साथ वेल्थ संपत्ति भी नहीं था. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दिस एडवांटेजेस, ये जो उनका ये जो बेफायदा था, ये जैसे अनपढ़ होना, करे उसके पास संपत्ति ना होना, इसके बावजूद उसके पास क्या था, तो इननेट विस्डम, एक जन्मजात कहते हैं ना, जन्म से ही ज्ञानी, वो जन्म से ही एकदम ज्ञानी था, एकदम व्यवहारिक शिक्षित, व्यवहारिक तरीके से शिक्षित था एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, उदार था उसका मन, बहुत दूसरे को उद्धार करता था. उसका जो आत्मा था वो उद्धार करने वाला आत्मा था. सो नाउ ही हैड एन आइडियल हेल्प मेड इन एज माई मदर आसिमा. उसका साथ में साथ देने वाला मेरा मदर था, उसका नाम, मम्मी का नाम आसियामा है. नाउ लेट अस सी
आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ द आवर फैम आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. एज इट हैज़ बीन टोल्ड ऑलरेडी दैट हिज फादर वॉज अ जेनरस पर्सन, उधार करने वाला आदमी था. तो उसको ये उदारता जो काम था उसके साथ में साथ मिलाने वाला उसका पत्नी था आशियामा, एंड ही इज़ अ मदर ऑफ अब्दुल कलाम सर. सो उन लोगों का यह उदार करने वाला जो उन लोगों का आदत था दूसरे के ऊपर, अब्दुल कलाम सर को ये याद है कि जब वो खाने में बैठते थे ये पता नहीं चलता था कि कितने आदमी है वहाँ पे खाने वाला. देर वर लॉट्स ऑफ पीपल दैट इज़ मिक्सिंग विथ हिज ओन फैमिली मेम्बर्स. नाउ लेट अस मूव अनदर पैराग्राफ. I was one of many children. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. अब यहाँ पे I was one of many children. हम लोग पोएम में पढ़ा था, उसका भाई बहन भी था, तो वो उन लोगों में से एक था अब्दुल कलाम सर. He was a short boy. छोटा कद का था, लेकिन उसका पेरेंट्स क्या था, टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स था. वो लोग अपना पापा मम्मी बहुत उन लोगों का हाइट बड़ा बड़ा था, लेकिन ये अब्दुल कलाम जन्म हुआ एक छोटा कद लिए हुए. सो यहाँ पे उसका ये जो अनडिस्टिंग्विश्ड लुक का मतलब ये है कि उसका पापा मम्मी के तरह वो देखता नहीं था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. हम लोग एंसेस्ट्रल घर में पैतृक अथवा पुस्तैनी हवेली जो रामेश्वरम में था उसमें हम लोग रहते थे इन 19th, दैट वॉज बिल्ड इन 19th इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिंक. अब वो पक्का हाउस था, बहुत पक्का हाउस का मतलब आप लोग समझते हैं, एंड वो लाइम स्टोन एंड ब्रिक से बना हुआ था. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere father का मतलब होता है very simple, कोई उच्च ना सोचने वाला, वो सरल जीवन व्यतीत करने वाला इंसान था मेरा पापा. So वो किसी comforts, एक क्या कहता है सुख व्यवस्था कहते हैं हम लोग, comforts and luxuries, facility कहता है सुविधा, ये उसको पसंद नहीं था. अननेसेसरी कम्फर्ट्स एंड लग्जरी. सो ही यूज टू स्पेंड अ सिंपल लाइफ. नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ. हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज वेर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. इन फैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली. नाउ यहाँ पे अब्दुल कलाम सर बता रहा है कि however, all necessities were provided. Though they were poor, his father was simple. He didn't love to have the more comforts and luxuries, unnecessary luxuries. But what happened is that he never made his family member run without, just like food, medicine or clothes. ये खाना दवा ये जो पहनने का कपड़ा इससे वंचित नहीं किया उसका पापा ने उन लोगों उसका फैमिली मेंबर जो था उनके ऊपर उन लोग सबको व्यवस्था कर देता था ये फूड का, मेडिसिन का और क्लोथ्स का. और मुझे लगता है कि मेरा चाइल्डहुड सिक्योर था. सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित, क्योंकि मेरा पापा मम्मी जो है वो मुझे बहुत अच्छी तरह से रेख देख करता है. दे लुक आफ्टर मी वेरी वेल. दे प्रोवाइड मी फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स वेन एवर आई नीड. सो दैट इज़ माई सिक्योर चाइल्डहुड डेज. एंड दे लव मी इमोशनली का मतलब होता है मैटेरियली एंड इमोशनली का मतलब होता है संसारिक सामान, चीज वस्तु. हम लोग कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आता है टेबल, चेयर, फैन, ये सब चीज़ें, इससे मुझे वंचित होने की ज़रूरत ना पड़ा, क्योंकि एवरीथिंग ही यूज़ टू मेंटेन इन द हाउस. पापा मेंटेन करता था.
और इमोशनली भी, इमोशनली भी नहीं मैं वंचित नहीं हुआ, क्योंकि इमोशनली मैं सिक्योर था, क्योंकि माई मदर लव मी वेरी मच एज वी नो इन द पोएम ऑल्सो बिफोर माई मदर पोएम में हम लोगों को मालूम पड़ा कि उसका मम्मी कितना प्यार करता था अब्दुल कलाम सर को, अब्दुल कलाम सर का मम्मी उसको ही ज़्यादा प्यार करता था, यह हम लोग ने पोएम में पढ़ा था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। आई नॉर्मली एक्ट विथ माई मदर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, सी वुड प्लेस अ बनाना लीव बिफोर मी ऑन विच सी देन लैडल्ड राइस एंड एरोमेटिक सांबर, अ वैरायटी ऑफ शार्प होम मेड पिकल्स एंड डेलोप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि वो मम्मी के साथ बैठ के खाना खाते थे एज ही लव्ड हर वेरी मच, और उस टाइम बनाना स्किन में खाने का चलन था, प्लेट वगैरह नहीं था, प्लेट वगैरह में से ज़्यादा ये कह रहे बनाना स्किन बनाना लीफ में खाने में वो लोग खाते थे, अथवा ये चलन था, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल दे यूज टू लिव ऑन द बनाना लीफ। सो इसी तरह वो भी अपने मम्मी के साथ बैठ के खाना खाते थे, ऑन विच सी देन लैडेंट बनाना लीफ के ऊपर में खाना परोस देते थे। एरोमेटिक सांबर का मतलब होता है खुशबूदार सुगंधित, सांबर का मतलब होता है वेजिटेबल एंड स्पाइस सूप, सूप एक प्रकार का काइंड ऑफ सूप होता है जो हम लोग लेते हैं। अ वैरायटी ऑफ साफ होम मेड पिकल्स अचार होम घर में बनाया हुआ, एंड अ डेलोप ऑफ फ्रेश कोकोनट चटनी, ये भी कोकोनट से बनाया हुआ एक प्रकार का चटनी। सो दिस वेर ऑल दैट ही यूज टू ईट सिटिंग विथ हिज मदर। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। The famous Lord Shiva temple which made Rameswaram so sacred to pilgrims was about a 10-mile walk from our house. So Rameswaram उसके घर से 10 mile, सिर्फ 10 mile walk था, sorry 10 minute का ही दूरी था उसका घर से रामेश्वरम शिवा मंदिर, शिवा temple, Lord Shiva temple. So now was about 10 minute walk from our house. Our locality was predominantly Muslim, but there were quite a few Hindu families too, living amicably with their Muslim neighbors. Now यहाँ पर बताया गया है कि जो हम लोगों का जो रामेश्वरम में जगह था, locality था, हम लोग रहने का जो area था उस टाइम में स्पेशली इट वाज क्राउडेड विद मुस्लिम, यहाँ वहाँ पे जो पॉपुलेशन था मुस्लिम का ज़्यादा था, प्रीडोमिनेंटली का मतलब वो होता है मुस्लिम था, लेकिन उन लोगों के पास एक ब्रदरहुड का एक मेल मिलाप बहुत अच्छा था, मित्र भाव, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, नेबरहुड बहुत अच्छा था। एम्बिगेबली का मतलब होता है मित्र भाव। सो वो लोग मिल के बैठते थे, रहते थे। There was very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayers. मुझे सांस में प्रार्थना के लिए मुझे मेरा पापा मस्क्यू ले जाता था। अब्दुल कलाम सर इज मुस्लिम, सो ही हिज फादर यूज टू टेक हिम टू द ओल्ड मस्क्यू, एक पुराना सा मस्क्यू में ले जाता था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। आई हैड नॉट द फैंटेस्ट idea of the meaning of the Arabic prayers chanted there, but I was totally convinced that there is God. अब यहाँ पर बताया गया है कि मुझे स्पष्ट तरीके से जो प्रेयर वहाँ पर अरबिक प्रेयर कहा जाता था, बार बार उच्चारण किया जाता था, चैंटेड का मतलब बार बार उच्चारण किया जाता था, वो मुझे समझ में तो नहीं आता था, स्पष्ट नहीं होता था, लेकिन I was totally convinced that there is to God. मुझे ये कन्विंस का मतलब होता है मुझे मालूम था अथवा मुझे विश्वास था कि जो भी वहाँ प्रेयर करेंगे तो वो सीधा गॉड के पास, गॉड उसको सुनते थे। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। आई वाज अबाउट 6 years old व्हेन माय फादर एम्बार्क्ड ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ वुडन सेल बोट टू टेक पिलग्रिम्स फ्रॉम रामेश्वरम to the Dhanushkoti and back. Now
व्हेन आई वॉज सिक्स ईयर्स ओल्ड, जब मैं सिक्स ईयर्स ओल्ड था तो उस टाइम मेरा पापा ने इम्बार्क ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग अ वुडन सेल बोट। मेरा पापा ने एक काम प्रोजेक्ट लिया था एक सेल बोट बनाने के लिए, जहाज़ बनाने के लिए एक काम लिया था। उसका काम क्या था कि तीर्थ यात्री जो था, यात्री जो वहाँ पे जो भक्तजन आता था उसको रामेश्वरम से धनुषकोटी तक ले जाने के लिए आता, ले जाने और लाने का ये इसके लिए वो बोट चाहिए था, अथवा तो बोट चाहिए था, जहाज़ चाहिए था। तो ये जहाज़ को तैयारी करने का काम उसका पापा ने लिया था। नाउ लेट अस सी, ही वॉक्ड एट बिल्डिंग द बोट ऑन द सी शोर विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव अहमद जलालुद्दीन। नाउ उसका फ्रेंड का नाम है ये, जो उसको काम पे साथ देता था, उसका नाम अहमद जलालुद्दीन था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। आई वॉच्ड द बोट टेक शेप। मैंने जो पापा लोग बना रहे थे शिप सॉरी बोट, तो वो बोट आकर लेते हुए मैं देखता था, वो लोग जब बना रहे थे तो उसका आकर निकलते हुए देखता था। द वुडन हल एंड बल्क हेड्स वेयर सीजन्ड विद द हीट फ्रॉम वुड फायर्स। अब यह हल्क एंड बल्क्स, हल्क एंड बल्क्स का मतलब होता है जहाज का ढांचा अथवा उसका शेप आकार। सो ये सीजन वाइज अथवा उसको वुड फायर्स जो आग देके उसको शेप में लाना, ऐसे करके बना रहे थे वो लोग। माई फादर वॉज डूइंग गुड बिजनेस विद द बोट व्हेन वन डे अ साइक्लोन ब्रिंगिंग विंड्स ऑफ ओवर 100 miles per hour कैरिड अवे आवर बोट अलोंग विद सम ऑफ द लैंडमार्क्स ऑफ सेतुखारी खारिया। द पाम्बान ब्रिज कोलैप्स्ड विद अ ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर्स ऑन इट। Until then, I had only seen the beauty of the sea. Now its uncontrollable energy came as a revelation to me. Now यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन साइक्लोन आया, a very dangerous form of air, wind का एकदम dangerous form कह सकते हैं साइक्लोन। वो साइक्लोन ने वहाँ पे disaster maintain किया, जो उसका पापा ने बनाया हुआ बोट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्रिज को भी कोलैप्स कर दिया, पम्बान ब्रिज कोलैप्स कर दिया विथ अ ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर्स ऑन इट। पैसेंजर्स था ट्रेन, ट्रेन को भी उल्टा कर दिया अथवा उसके एक्सीडेंट करवा दिया। अंटिल देन आई हैड ओनली सीन द ब्यूटी ऑफ द सी, नाउ इट्स अनकंट्रोलेबल एनर्जी केम एज अ रिविलेशन टू मी। ना रिविलेशन का मतलब होता है आश्चर्य, रहस्यमय। जो दृश्य मैंने साइक्लोन जो किया था, जो दृश्य किया था, वो मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित था। बिकॉज टिल देन आई हैव ओनली सीन द ब्यूटी ऑफ रिवर वाटर अथवा सी, सी का मैंने सुंदरता ही दिखा था उस टाइम तक। लेकिन अभी जो साइक्लोन के कारण जो दृश्य मैंने सी में देखा, इट वॉज़ वेरी फियरफुल टू मी, इट वॉज़ वेरी रिविलेशन फॉर मी टू मी, एकदम आश्चर्यकार रहस्यमय था। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। बाय द टाइम द बोट मेट इट्स अनटाइमली एंड, अहमद जलालुद्दीन Jalaluddin had become a close friend of mine despite the great difference in our age. Jalaluddin would talk about God as if he had a working partnership with him. Now यहाँ पे जब ये उन लोगों का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, प्रोजेक्ट को ख़त्म कर दिया ये साइक्लोन ने, तो यहाँ पे अहमद जलालुद्दीन उस टाइम अब अब्दुल कलाम सर के साथ बहुत फ्रेंडशिप बढ़ाया था अथवा उसके साथ बहुत बार बहुत बातें करते थे अथवा दे वर अ गुड फ्रेंड्स डिस्पाइट दे हैव द ग्रेट डिफरेंसेस इन देयर एज।
एज का बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी वो लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। जलालुद्दीन उल टॉक अबाउट गॉड, वो भगवान के बारे में बताते थे, अल्लाह के बारे में स्पेशली वहाँ पे ये बताता है जलालुद्दीन, अल्लाह के बारे में बताते थे कलाम सर को, एज इफ ऐसे बात करते थे कि वो भगवान के साथ पार्टनर में है, अथवा भगवान उसका दोस्त है, कि वो जो दोस्त से किया हुआ बातें आके अब्दुल कलाम सर को बता रहा है, ऐसे लगता था उस टाइम उसके बातें सुन के जलालुद्दीन का। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। नाउ दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ द बोट दैट अब्दुल कलाम सर्स फादर एंड जलालुद्दीन दे वर मेकिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ब्लोन ऑफ बाय द साइक्लोन। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर पैराग्राफ। He would present all his doubts to God as if he were standing nearly to dispose of them. Now, ऐसे करके हर चीज़ हर बातें भगवान के बारे में अथवा अल्लाह के बारे में ऐसे करके बातें कलाम सर के आगे रखते थे कि he was just standing before the God. God के सामने ही खड़ा होके सब कुछ जान के वो बातें अब्दुल कलाम सर को सुना रहा है, ऐसे करके वो प्रेजेंट करता था, वो प्रस्तुत करता था जो बातें था। आई वुड स्टेयर एट जलालुद्दीन एंड देन लुक टूवर्ड्स द लार्ज ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स अराउंड द टेम्पल टेकिंग होली डिप्स इन द सी परफॉर्मिंग रिचुअल्स एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स विद द सेंस ऑफ रेस्पेक्ट टूवर्ड्स द सेम अननोन हुम वी ट्रीट एज द फॉर्मलेस अलमाइटी। नाउ यहाँ पे जब ये बातें सुनते थे उसी टाइम में इधर उधर करके इधर उधर देखता था, और जब ये मंदिर में आदमी का गैदरिंग देखता था, मंदिर मस्क्यू में नहीं मंदिर में जब गैदरिंग देखता था, और वो लोग जब पानी में डुबकी लगाता था अपना रिचुअल्स पूरा करने के लिए, अथवा अपना अनुष्ठान कर्मकांड के लिए जब पानी में डुबकी लगाता था, प्रेइंग करता था, तो ये सब दृश्य में देखता था। एंड दे आर डूइंग दिस ऑल दिस फॉर द अननोन डेस्टिनेशन अथवा अननोन होम वी ट्रीट एज द फॉर्मलेस अलमाइटी। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, रूप नहीं होता है, वो फॉर्मलेस है, वो किसी का फॉर्म नहीं ले सकता है। सो उसके लिए रेस्पेक्ट, उसके लिए आदर सत्कार जो भावना है मन में वो सब दिखाता था, जो ये आदमी का ये रिचुअल्स एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड टू टेक डीप इन द वाटर, दिस ऑल द एक्टिविटीज शोज द रेस्पेक्ट एंड द ग्रेट प्रेज फॉर देयर गॉड। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। I never doubted that the prayers in the temple reached the same destination as the ones offered in our mosque. मुझे ये नहीं लगता था कि जो टेम्पल में जो मान लीजिए मुस्लिम और हिंदू लोग जो टेम्पल में प्रार्थना करता है और जो मुस्लिम लोग मस्क्यू में अल्लाह को प्रार्थना करता है, मुझे ये डाउट नहीं था कि तो ये मस्क्यू में प्रे करने से अल्लाह भगवान को सुनाई देता है और मंदिर में प्रार्थना करने से भगवान को सुनाई नहीं देता, ये मुझे इसमें कोई भेदभाव नहीं था। मुझे लगता था कि आप जहाँ से भी प्रार्थना करें अपने भगवान को, ईश्वर को, अपने मन से, मस्क्यू हो या मंदिर हो या चर्च हो या कोई भी बौद्धिक मोनास्ट्री हो, अगर आप मन से प्रार्थना करेंगे, मन से उसका बुलावा करेंगे, तो वो ऑब्वियसली हियर द गॉड ऑब्वियसली हियर्स द साउंड ऑफ हिज डिवोटीज अपना भक्तजन का सबका सुनेगा भगवान। सो यहाँ पे अब्दुल कलाम सर को भी कोई डाउट नहीं था, चाहे मंदिर में जाकर प्रार्थना करो या चाहे मस्क्यू में, दोनों में ईश्वर सुनता है अपना भक्तजन का बातें, भक्तजन का जो दुख है वो ईश्वर सुनते हैं, ये उसका अंदर का भावना था। नाउ लेट अस मूव अनदर पार्ट। द सेकेंड
द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड आवर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. हम लोग ने माई मदर पोएम में पढ़ा है. द पोएम वॉज रिटन एट द टाइम ऑफ द वॉर. 1939 का वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इजंट इट. 1939 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर था. तो इस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हर जगह अफेक्टेड था, लेकिन ये जो रामेश्वरम है ये आइसोलेटेड है, स्पेशली द पिलग्रिम्स एरिया है. सो इट वॉज नॉट आइसोलेटेड का मतलब होता है एकांत, अलग सा. तो ये कोई वो वार के कारण ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था. लेकिन बाद में क्या हुआ, हम लोग देखते हैं क्या होता है बाद में. अनअफेक्टेड बाय द वार, बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द एलिड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर. एलिड फोर्सेज का मतलब होता है सेना में भर्ती होना. ऐसे करके फोर्स टू ज्वाइन एलिड फोर्सेज एंड संस्था संगठन में ज्वाइन होना, एलिट फोर्सेस में ज्वाइन होना, ये सबको ये कहा गया, डिक्लेयर किया गया. मे बी उस टाइम रामेश्वरम में भी ये डिक्लेरेशन किया होगा. ओके, एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. कैजुअलिटी का मतलब है हानि. उस डिक्लेरेशन का अथवा उस वर्ल्ड वॉर का हानि, सर्वप्रथम हानि रामेश्वर में क्या दिखाई दिया, उसका संकेत क्या था, द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम. ट्रेन को बंद किया गया, ट्रेन को चलने नहीं दिया. द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी. नाउ यहाँ पे ट्रेन बंद नहीं किया है, ट्रेन को वहाँ रामेश्वरम में हॉल्ट करने के लिए, रोकने के लिए अनुमति, जो प्रवेश था, रोकने का प्रवेश था, उसको निषेध किया गया, उसको रोक लगाया गया. इसका मतलब ट्रेन वहाँ रोकता नहीं था, सीधा रामेश्वरम को छूके वो चला जाता था, वो स्टेशन पर रोकता नहीं था रामेश्वरम स्टेशन पर. सो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो भी पत्रिका था, जो न्यूज़पेपर था, तो वो मूविंग ट्रेन से ही बाहर बंडल बंडल फेंक देता था. जो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है वो मूविंग ट्रेन से ही वो न्यूज़पेपर को बंडल बना के बाहर फेंक देते थे. नाउ लेट अस सी दैट फोर्स शम्सुद्दीन टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स. अब शम्सुद्दीन नाम लोग ने पढ़ा है कॉजिन अथवा द पर्सन हु कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द न्यूज़पेपर टू डिफरेंट पीपल. ये शम्सुद्दीन मे बी ही इज़ द कॉजिन ऑफ अब्दुल कलाम सर. हम लोग ने माय मदर में पढ़ा था, कजिन न्यूज़पेपर में काम करता था, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में. तो उस टाइम क्या हुआ, बंडल बंडल जब गिरने लग गया मूविंग ट्रेन से, तो शम्सुद्दीन को भी अब पार्टनर चाहिए अथवा हेल्पिंग हैंड चाहिए, उसको मदद करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए. तो देखते हैं हम लोग क्या होता है, फॉर हेल्पिंग हैंड्स एंड टू कैच द बंडल्स, बंडल्स को पकड़ना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. नेचुरली आई फिल द स्लॉट, शम्सुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस. सो फॉर दिस रीज़न मैंने चांस मिला मुझे कि उसका स्थान, जो स्थान शम्सुद्दीन ढूंढ रहा था, जो व्यक्ति ढूंढ रहा था, उस व्यक्ति का स्थान में मैं चला गया और मुझे शम्सुद्दीन ने मदद किया. मेरा पहला वेजेस का मतलब होता है हम लोग पैसा काम करने के बाद में जो मिलता है पेमेंट, उसको वेजेस कहते हैं. तो मुझे पहला वेजेस कमाने में मुझे शम्सुद्दीन ने भी हेल्प किया. सो डियर स्टूडेंट, विल बी स्टॉपिंग हियर, दिस इज द पार्ट ए पार्ट. Tomorrow we will continue our chapter and complete it tomorrow in part B section. Till then, dear student, you have to revise the chapter, try to understand it properly, try to learn all the difficult words and try to know the meaning of those words. So, dear student, try to write this
इन योर नोट कॉपी ऑल्सो सॉरी नोटबुक ऑल्सो ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स. सो दिस मच फॉर टुडे डियर स्टूडेंट. विल मीट टुमारो अगेन इन द सेम टाइम इन द सेम क्लास. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बाय बाय.